जिस भी जॉब के लिए देखो, चाहे वो फ्रेशर के लिए है चाहे एक्सपीरियंस के लिए, वहां पे एक्सपीरियंस तो मांगते हैं। अब जब फ्रेशर की जॉब के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने आती है, वो मुझसे पूछते हैं कि सर जब तक हमें जॉब नहीं मिलेगी एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, और जब एक्सपीरियंस ही नहीं है तो फिर हमें जॉब कैसे मिलेगी। मतलब ये तो एक सर्कल में हम फंस गए हैं सर, इससे कैसे हम बाहर निकले। सो आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कामयाबी की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। सो आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे जॉब को समझें और कैसे वहां पे बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई करें। तो देखिए, सबसे पहले जॉब जो होती है फ्रेशर्स के लिए दो कैटेगरी की हो सकती है। पहली कैटेगरी जॉब फॉर फ्रेशर्स, जो कम्प्लीटली फ्रेशर्स के लिए है, कंपनी को भी पता है कि वो फ्रेशर्स को ही अपॉइंट कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा। सेकेंड बात आती है जहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं बट सैलरी फ्रेशर जितनी देना चाहते हैं, मतलब कंपनी चाहती नहीं है ज़्यादा स्पेंड करना, सैलरी पे करना, तो सेकेंड वाले की तो बात ही नहीं करते। वहाँ पे तो जब कंपनी पे ही नहीं कर रही है तो उनको एम्प्लॉय भी नहीं मिलेगा। अब प्रॉब्लम आती है पहले वाले की। इस चीज़ के बारे में समझिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम जॉब की नहीं है, जो पहली कैटेगरी है कि वहाँ पे फ्रेशर को अपॉइंट कंपनी करना चाह रही है और वहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन भी पहुँचे हैं, तो कंपनी की या जॉब की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कंपटीशन की, बेरोजगारी की, कि लोगों के पास एक्सपीरियंस होते हुए भी वो फ्रेशर की सैलरी पे काम करने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को तो डेफिनेटली कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा पर्सन चाहिए। कंपनी क्या चाहेगी? कंपनी ये चाहेगी कि वो अगर आपको 10,000-20,000 रुपीज़ पे कर रही है, आपको नए काम पे रख रही है, तो ट्रेनिंग कम से कम देनी पड़े, कम से कम एफर्ट्स देने रहें, और जल्दी से जल्दी आप कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दें। अब आप ही बताइए, आपके सामने दो पर्सन है, एक मैं हूँ एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है। लेट से मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है, मैं फ्रेशर हूँ, बिल्कुल फ्रेशर हूँ, उसको एक्सपीरियंस है। मैं भी कह रहा हूँ कि मुझे 15,000 सैलरी में काम करना है, वो भी कर रहा है। आप किसको हायर करेंगे? डेफिनेटली आप उनको हायर करेंगे, मुझे नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि कंपनी सबसे पहले अपना बेनिफिट देखेगी, ऑब्वियस है ये बात। अब बात आती है कि सर प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, लॉजिक भी समझ में आ गई, ये प्रॉब्लम क्यों है। अब बात ये समझनी है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन हमारे पास होना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, आप जिस भी प्रोफाइल में एंटर करना चाहते हैं उसकी सबसे पहले अपने पास स्किल्स डेवलप करिए। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ओके है, बट स्किल्स को तो डेवलप करिए। जब तक आप स्किल्स अपनी डेवलप नहीं करेंगे तो कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा, स्पेशली हमारे इंडिया में। सो कंपटीशन को बीट करने के लिए लेट्स से एग्जांपल, मैं दो एग्जांपल लेता हूँ। एक आपको जीएसटी के रिलेटेड या अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करना है, ठीक है। अब वहाँ पे आपने कोर्स पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर ली, सब कर लिया, वो आपको भी पता है ग्रेजुएशन में कितने दिन स्कूल कॉलेज गए थे और कितना आपने सीखा है, पेपर दिए और कैसे दिए वो भी पता है आपको, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या प्रैक्टिकल सीखने को मिला है? नहीं ना। कंपनी के पास आप जा रहे हैं, कंपनी के लिए तो आप जीरो हैं। भले ही आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, एमबीए कर लिया, कुछ भी कर लिया, कंपनी को पता है कि इस पर्सन को कुछ नहीं आता, सारी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। आपको अगर इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में तो आप जीएसटी, इनकम टैक्स, टैली, एक्सेल, इनके प्रैक्टिकली सीखे। प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशन कोर्स जैसे हमारे तो स्टूडेंट्स उनको करते हैं। सेकंड ऑप्शन, आपको इस चीज़ से इंटरेस्ट नहीं है, आपको किसी टेक्निकल लाइन का, वो उसके कोर्स हमारे पास नहीं है एक दो कोर्सेज को छोड़ के। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि मुझे ना सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो उसके बारे में सीखिए। आपको लगता है कि नहीं मुझे ना जो मैं जॉब करना चाहता हूँ, मुझे SEO से रिलेटेड करना चाहता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, उससे रिलेटेड कोर्स सीखिए। अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को एनहांस करिए। जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो एम्प्लॉयर को भी आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। एम्प्लॉयर कहेगा कि ठीक है भाई, इन्होंने अभी तक प्रैक्टिकली किया नहीं है बट नॉलेज पूरी है, तो बस मुझे एक बार थोड़ा सा समझाना रहेगा और ये पर्सन कर लेगा। तो जब कॉन्फिडेंटली आप सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट दिला पाएंगे ना कि मुझे नॉलेज है, बस एक बार मौके की ज़रूरत है, तो फिर कंपनी आपको हायर क्यों नहीं करेगी? इसका रीज़न आप मुझे बताइए। डेफिनेटली करेगी वो आपको। सो आप अपनी स्किल्स पे और जो प्रैक्टिकल स्किल्स, मतलब थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स पे अपने वर्क बहुत ज़्यादा करिए, उनको अच्छे से डेवलप करिए, और ऑनेस्टली मतलब कॉन्फिडेंटली वहाँ पे आप जाइए, इंटरव्यू हैंडल करिए, आपको ज़रूर उसकी जॉब मिलेगी। बाय बाय।